नमस्कार, मैं राजेश कुमार खुराना, फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का अति आभारी हूं जिसने मुझे आज इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के ऊपर बोलने का मौका दिया। इससे पहले कि इस विषय पर आएं, ये ज़रूरी होगा कि ये जाने कि इन्वेस्टर है कौन। इन्वेस्टर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है या कोई ऐसी संस्था हो सकती है जिसके पास फालतू पैसा है और जो किसी भी कार्य में लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि उसको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड या और तरह का कोई फ़ायदा हो सके। और इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने से दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो उसको खुद ही रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है जो कि इंटरेस्ट या डिविडेंड के तौर पे हो सकता है। दूसरा ये है कि जहां भी किसी कंपनी में या किसी असेट में जो इन्वेस्ट करता है उसमें वो जो है प्रोडक्टिव चैनल में देश की प्रगति में कार्य आता है, ताकि कोई उसको व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति उस पैसे को प्रोडक्टिव कार्यों में लगाता है और उससे इंडस्ट्री का और ट्रेड का उसको बढ़ावा मिलता है। और यदि मेरे पास ऐसा कुछ पैसा है तो मैं किन कार्यों में उसको इन्वेस्ट करूं, तो कितने ही साधन हो सकते हैं। सबसे साधन अच्छा साधन तो यह है कि जो उसको मैं सेविंग बैंक अकाउंट में ही जमा कराऊं, या उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराऊं, या मैं उसको कंपनी डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे किन किन माध्यमों में उस पैसे को जमा कराया जा सकता है, ताकि उसको एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न उसको बदले में रेट ऑफ रिटर्न मिले और उसके साथ उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, और जिस उद्योग में वो लगाएगा उस उद्योग को भी बढ़ावा मिले, उससे उसका पैसा उसके पास आ जाता है। उद्योग को मौका मिलता है कि और ज़्यादा ट्रेड और इंडस्ट्री सेटअप करे, ताकि उसके देश की जीडीपी को बढ़ाने में उसका योगदान रहे। और काफी जिन भी माध्यमों में हम पैसा लगाते हैं, हर एक माध्यम के साथ कुछ ना कुछ रिस्क और रिवार्ड जुड़ा हुआ है। जनरली एज ए इन्वेस्टर हम बहुत ही सावधान रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि चाहे भले ही थोड़ा रिटर्न कम मिले, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा हो और उसको हम ठीक तरह से वापस मिल पाए और उसमें कोई चोर बाजारी या कोई उसमें कोई मैल प्रैक्टिस या कोई डिसेप्शन वगैरह ना हो, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक और कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या उसमें हम जमा करा, या कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बॉन्ड हैं उनमें हम जमा करा सकते हैं। इसी तरह से यदि हमने पैसा लगा दिया, दूसरा यह है कि अगर हम शेयर, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स में अगर वो पैसा लगाते हैं तो उसमें बेशक उसमें रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए रिस्क और रिवार्ड जो उसके साथ रिस्क हैं कि यदि हम ये एंटिसिपेट करके चलें कि उसमें पैसा हमारा बढ़ जाएगा तो कभी कभी उसमें घट भी सकता है, और स्टॉक मार्केट के साथ और इंटरनेशनल मार्केट के साथ कभी कभी उसमें नुकसान भी हो सकता है, वो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होंगी। आज का विषय में ये भी इंक्लूड होगा कि यदि पैसा लगाया जाता है तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शंस, क्या क्या उसको जो है सावधानियां, कोई क्या क्या उसको कानूनी सुरक्षा मिली हुई है जिसका कि वो पालन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर उसको कंपनीज एक्ट के अंदर क्या सुरक्षा है, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के अंदर उसको क्या सुरक्षा है, देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर उसको क्या सुरक्षा है, और पर्टिकुलरली इस तौर पे कि इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के उसको क्या सुरक्षा है। और जबकि काफ़ी कानूनों में उसको सुरक्षा है, लेकिन उसको फायदा उठाने के लिए उसको क्या क्या माध्यम अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ये चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उन सुरक्षाओं के अलावा कि वो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम आज इस बात की चर्चा करेंगे। और इन्वेस्टर कौन है, कंपनीज एक्ट या सेबीज एक्ट ये डिफाइन नहीं करता कि इन्वेस्टर कौन है, लेकिन जनरल जो उसका मायना है, इन्वेस्टर वो है एनी पर्सन और अदर एंटिटी सच एज
जो इन्वेस्ट करती है किसी भी पैसे को, और विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग फाइनेंशियल रिटर्न, यानी कोई ऐसा आदमी या संस्था जो पैसा इन्वेस्ट करती है इस विचार से ताकि उसको इंटरेस्ट या कुछ रेट ऑफ रिटर्न वापस मिलेगा, और उस रेट ऑफ रिटर्न से वो अपने इन्वेस्टमेंट में अपने जो पैसे है जो उसके पास है उसमें वो बढ़ोतरी कर पाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की? इम्पोर्टेंस ये है, एक तरफ तो हमारा जो है सेविंग रेशियो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ जो है, सुनने काफ़ी स्टेटिस्टिक्स में पता चला है कि हमारी टोटल सेविंग रेशियो जो पूरे भारत की जनता की लगाई जाए 30-32% ऑफ हिज अर्निंग है, जो जितनी जीडीपी होती है उसका 30-32% जो है हम उसको सेविंग्स में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको खर्च डे टू डे खर्चों में खर्च नहीं करते लेकिन उसको हम सेव करते हैं, और उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस सारी सेविंग को इन्वेस्टमेंट चैनल्स में चैनलाइज कर लें और उसको डाइवर्ट कर दें तो उसके हमारे कंट्री की जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर उसमें हम लगाते हैं तो उसका हमको फायदा क्या होगा? अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में या प्रोडक्टिव चैनल्स में लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट जो है हमको इस बात के लिए सहायता करेगा कि वो उसको प्रोडक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के प्रोडक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ में लगे, और इसलिए ये जरूरी है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दी जाए। द इन्वेस्टर नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस मेल प्रैक्टिसेज एंड अनफेयर प्रैक्टिसेज मेड बाय द कॉरपोरेट एंड इंटरमीडियरीज। सो इसलिए उसको कानूनी सहायता की जरूरत है कि इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, बाकी जो है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन से बिल्कुल अनभिज हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान उसके बारे में नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सिक्योरिटी मार्केट के ऑपरेशंस के बड़े एफिशिएंट हों, ट्रांसपेरेंट हों और सुरक्षित हों, दैट मीन्स पारदर्शी हों, सुरक्षित हों, और अगर उनमें कोई कोई इंसान, कोई कंपनी या कोई बैंक उसमें कोई मेल प्रैक्टिसेस करता है तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सो एफिशिएंट सिक्योरिटी मार्केट फैसिलिटेट, जो अगर एफिशिएंट सिक्योरिटी मार्केट है तो वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोडक्टिव चैनल में के इस्तेमाल करने के लिए सहायता करेगा और उससे देश का भी जल्दी से विकास हो पाएगा। सो एज ए इन्वेस्टर यदि मेरे पास कुछ पैसा है तो मेरे पास क्या क्या ऐसे माध्यम हैं किन में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? से सबसे आसान तरीका, जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो है फिक्स डिपॉजिट में जमा करा सकता हूँ या सेविंग अकाउंट में जमा करा सकता हूँ या इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैं जमा करा सकता हूँ, शेयर कंपनीज के शेयर्स को मैं खरीद सकता हूँ, डिबेंचर्स खरीद सकता हूँ या कंपनी में ही पब्लिक डिपॉजिट्स में जमा करा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में जमा करा सकता हूँ, मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता हूँ जिसमें कि रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसा जाएगा, उससे मेरी सेविंग भी प्रमोट होगी और वो सेविंग जो है इंश्योरेंस कंपनी किसी प्रोडक्टिव चैनल में लगा पाएगी और मेरे को वो इंश्योरेंस का भी लाभ देगी, जीवन बीमा का भी लाभ देगी कि कल को अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या मैं इनकैपेसिटेट हो जाता हूँ तो उससे इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को रिटर्न दे सकेगी। और जो ट्रेडिशनल मेथड है तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, उसमें भी कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन हो जाता है, या प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर में भी लोग अक्सर तरह पैसे लगाते हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा इनके डिटेल के बारे में जाने। जैसा कि मैंने बताया कि फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बड़ा एक कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है, इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ी हमको जो सुरक्षा रहती है कि पैसा हमारा सुरक्षित रहता है, इसमें पैसे को हानि होने की या उसमें किसी तरह का फ्रॉड होने की कोई ऐसी चांस नहीं होता, तो पैसा हमारा काफ़ी सुरक्षित रहता है। लेकिन इसमें जो है दो चीज़ें रखनी होंगी कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है बड़ा रिलेटिवली कम होता है और फिक्स्ड होता है, भले ही मार्केट, स्टॉक मार्केट कितनी मर्जी रफ्तार से आगे बढ़े लेकिन हमको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो बड़ा लिमिटेड सा मिलता है। उसकी तुलना में यदि हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएं या
म्यूचुअल फंड में लगाएं तो उस उन उनमें पैसे के ग्रोथ की ज़्यादा संभावना होती है। और शेयर्स का मतलब है कि एक किसी कंपनी का एक यूनिट खरीद लें एंड टू दैट एक्सटेंड मैं उस कंपनी के एक यूनिट का मालिक बन जाता हूं, और बाय वर्चू ऑफ बीइंग ए शेयर होल्डर और शेयर होल्डर होने के कारण मेरे को कंपनी में कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसा कि मैं उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मेरे को उसकी एनुअल रिपोर्ट का कंपनी के मेरे को मिलेगी, कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंट करने में या डायरेक्टर अपॉइंट करने में मेरे को उसमें कुछ अधिकार मिलता है, और उससे भी ज़्यादा मेरे को कंपनी का मुनाफे का प्रोपोर्शनेट हिस्सा बाय वे ऑफ ए डिविडेंड मेरे को मिलता है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनी के शेयर में वृद्धि होती है, उसका भी मेरे को कुछ फ़ायदा मिलता है, ताकि कैपिटल एप्रिसिएशन भी शेयर्स में मिलता है। इसी तरह से कंपनी में मैं डिपेंचर खरीद सकता हूं, जिससे कि कंपनी मेरे को एक यानी मैं कंपनी का क्रेडिटर बन जाता हूं और कंपनी का पैसा कंपनी को मैं पैसा उधार देता हूं, जिससे कि मुझको वो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न बाई वे ऑफ एन इंटरेस्ट मेरे को मिलता है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए एक कंपनी की स्कीम होती है, जिसमें बाय वे ऑफ ए पब्लिक डिपॉजिट मैं जमा करा सकता हूं, उससे मेरे को कंपैरेटिवली डिबेंचर के कंपैरिजन में ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, और पैसा को सुरक्षित लौटने में भी मेरे को उसमें सहायता मिलती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज तो हम सारे जानते ही हैं, म्यूचुअल फंड एक और है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी संस्था है जो लोगों से पैसा मोबिलाइज करके एक सिंगल बड़ी किट्टी बनाते हैं, और वो फिर कंपनीज के शेयर, स्टॉक और दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे माध्यमों में लगाते हैं। उससे वो, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट उनको डील करते हैं, तो उसमें मेरा रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और बिना डे टू डे बेसिस पे उसको मॉनिटर किए हुए उसका मैं लाभवान बन जाता हूं। और जो म्यूचुअल फंड ये कंपनी के डिबेंचर से पैसा या शेयर में इन्वेस्टमेंट से जो पैसा कमाते हैं वो म्यूचुअल फंड के जो मेंबर्स हैं उनमें बांट देते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हम सब जानते ही हैं कि हम जमीन खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, और उससे जो एसोसिएटेड फायदे हैं हमको मिल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज का एक नुकसान भी है कि विशेषकर इसमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, उतना पैसा शायद हर आदमी के पास नहीं होता, उसमें कम से कम लाखों या कई बार तो करोड़ों रुपया चाहिए होता है, और इसमें एक लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम है। यदि हम जमीन जायदाद में पैसा लगाएं तो उसको जब भी हम उसको सेल करना चाहेंगे तो उसका ग्राहक ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऑफकोर्स काफी समय से लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी इशू यह रहता है कि जब हम गोल्ड वगैरह खरीदते हैं तो उसको सेल करना, बाई करना, स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और चोरी चकारी होने का भी आपको पता है डर रहता है। सो इसीलिए जब भी हम कोई भी साधन हम अपनाएं, जिसमें भी हम इन्वेस्ट करना चाहें, उसके ये प्लस और माइनस पॉइंट्स हमको मद्देनजर रखने होंगे, ये हमको ध्यान में रखने होंगे इससे पहले कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। सो ये सारे रिस्क और रिवार्ड जो इससे एसोसिएटेड हैं वो हमको मद्देनजर रखने होंगे। और जबकि हम अगर कंजर्वेटिव होना चाहते हैं और सिर्फ पैसे की सुरक्षा ही चाहते हैं तो हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिक्स डिपॉजिट और बैंक वगैरह में रखना होगा, लेकिन हम कुछ हायर रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं और हम थोड़े से स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक हैं तो हमको कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स और उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स दोनों का मिड टर्म है, जिसमें कि रिस्क भी कम है लेकिन कंपैरेटिवली रिवार्ड ज़्यादा है, और इससे जो है जो डे टू डे मैनेजमेंट सिक्योरिटी का है वो एक प्रोफेशनल लोग करते हैं, तो इसमें हमको थोड़ा सा शेयर्स और या फिक्स डिपॉजिट के बीच में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बीच में एक अच्छा जाना माना माध्यम है, तो इसलिए हमको शेयर्स की बजाय, यदि हम बिल्कुल अनजान हैं और पहले हमने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये बेहतर होगा कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू पहले इसका एक्सपेरिमेंट करें और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट में भी एक टाइम ना करके हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में जाएं, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा रेगुलर तौर पे लंबे टाइम तक हम उसको
इन्वेस्ट करते रहें ताकि हमारा पैसा जो है उसमें बढ़ता रहे और स्टॉक मार्केट जो एकदम अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें हमारा बैलेंसिंग हो जाता है। अब ये बताएं, यदि हमने पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, और ये आज का विषय में हम उन चीज़ों को फोकस करेंगे कि यदि कंपनी के स्टॉक्स में या स्टॉक्स और शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। ये जो हमको प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत कुछ सुविधाएं हमको अवेलेबल हैं, और इसी तरह से सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है जिसके के तहत स्टॉक मार्केट्स वगैरह सेटअप की जाती हैं, उनके तहत भी हमको कुछ प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। इन सारी प्रोटेक्शंस के बारे में हम एक तरह से बात करेंगे। यदि हम कंपनी के में कोई शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं तो हमको जानना होगा कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर, हमको कंपनी में क्या अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब मैं शेयर होल्डर होता हूं तो मेरे को एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, या तो पेपर प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है या फिर वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में मीन्स मेरे बैंक अकाउंट में, जो डिपॉजिटरी में मैंने अकाउंट खोला है उसमें जमा हो जाता है। सो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स को रहना, उससे मेरे को ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि शेयर के गुम होने के चांसेस कम होते हैं और उसमें ट्रांसफरेबिलिटी आसान होती है, और जब मैं बेचता हूँ तो ये डिपॉजिटरी अकाउंट मेरे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, और जब भी कोई शेयर खरीदता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा, सेल प्रोसीड मेरे अकाउंट में आ सकता है। इसी तरह से यदि मैं शेयर खरीदता हूँ तो पैसा मेरे अकाउंट को डेबिट होके और ऑटोमेटिकली शेयर मेरे डिपॉजिटरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और जब मैं शेयर होल्डर होता हूँ तो मेरे को एनुअल रिपोर्ट कंपनी की मिलती है, उस एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह मिलती है, और ये इनके पढ़ने से ही बड़ा इंटरेस्ट लगता है ताकि मेरे को कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाता है। और जब भी कोई कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उस कंपनी में, उन मीटिंग्स में मैं पार्टिसिपेट करके आइदर या तो मैं खुद स्वयं वोट दे सकता हूं या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी या प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं, जो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं जो मेरे बिहाफ पे उस कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा और वोट देगा। इसी तरह से जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड देती है तो मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं अपना प्रोपोर्शनेट डिविडेंड जो है कंपनी से प्राप्त करूं, और वो जितना भी कंपनी की जनरल मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव किया गया है वो मेरे को मिल सकता है। और इसी तरह से दूसरे कॉरपोरेट बेनिफिट हैं, जैसे राइट शेयर, बोनस शेयर, जो जब भी कंपनी अप्रूव करती है वो मेरे को मिल जाता है। जब मैं शेयर एज ए इन्वेस्टर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को क्या फायदे हैं। यदि कंपनी को मेरे को लगे कि कोई कंपनी मेल प्रैक्टिस कर रही है या कोई इररेगुलरिटी कर रही है तो मेरे पास क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, मैं क्या कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूं। एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत सेटअप किया गया है। यदि मेरे को कोई लगे कि कंपनी कोई मेल प्रैक्टिस कर रही है, ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट कर रही है, तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उसकी शिकायत दर्ज करा सकता हूं, और उससे फिर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि वाकई जो मैंने कंप्लेंट की है वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो उसके रेमेडियल एक्शन करने के लिए एनसीएलटी जो कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है। इसी तरह से मेरे को ये अधिकार है कि शेयर होल्डर होते हुए कि मैं कंपनी के मिनट बुक, स्टेचुटरी बुक्स, जैसे शेयर होल्डर्स की मिनट बुक है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर है, उनको मैं एग्जामिन कर सकता हूं। इसी तरह से टू प्रोसीड अगेंस्ट द कंपनी बाय वे ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है उसको इशू करने के लिए कोई नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट वगैरह निकालती है, उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बातें करी गई हैं या उसमें कोई ऐसी गलत बातें कही गई हैं जो सत्य नहीं है, उनके अगेंस्ट जो है
कंपनी के उनके प्रति मैं कंपनी के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकता हूं। इसी तरह से टू प्रोसीड अगेंस्ट द कंपनी बाय वे ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग मींस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरे को लगे कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या मिस्टेक किया है, तो उसको उसके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल एक्शन भी मैं ले सकता हूं। इसी तरह से टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, यदि कंपनी मेरे को लगे कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो ठीक से नहीं चल रहे हैं, और फिर मैं एनसीएलटी में एप्लीकेशन दे सकता हूं टू रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्शन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और यदि कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी के सारे उधार और बाकी पैसे देने के बाद, असेट्स बेचकर उसके उधार और बाकी पैसे देने के बाद जो पैसा बचता है वो मेरे को जो है एज ए रेजिड्यूरी प्रोसीड जो है रेजिड्यूअल प्रोसीड लेने का मेरे को अधिकार है। इसी तरह से राइट ऑफ द शेयर होल्डर एज ए ग्रुप ऑफ द शेयर होल्डर, ये तो मेरे को अभी तक मैंने अधिकार कहे, वो एज ए इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या उसको शेयर होल्डर को अधिकार है, लेकिन एज ए ग्रुप आल्सो और भी उसको कुछ अधिकार हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल 10% से ज्यादा शेयर होल्डर या शेयर होल्डर जिनके पास 10% से ज्यादा वोटिंग है तो वो कंपनी को रिक्विजिशन कर सकती है फॉर होल्डिंग ऑफ ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दैट मीन हर साल कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग तो होती है, लेकिन अगर मेरे को लगे कि उस एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा और किसी मीटिंग करने की भी जरूरत है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए भी मैं रिक्विजिशन कर सकता हूं एज ए ग्रुप ऑफ द शेयर होल्डर। टू डिमांड फॉर पोल ऑन एनी रेजोल्यूशन, जनरली कंपनी के जो रेजोल्यूशन पास होते हैं तो उनमें जो है चेयरमैन ही अनाउंस करता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं उसकी पोल की भी डिमांड कर सकता हूं। यदि मैं डिबेंचर होल्डर हूं तो एज ए डिबेंचर होल्डर मेरे को क्या अधिकार हैं, जो एज ए डिबेंचर होल्डर मेरे को इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, टू रिसीव टाइमली रिफंड ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर, जब डिबेंचर का पीरियड खत्म हो गया तो उसको मेरे को पैसा वापस मिलना चाहिए उसका मूल्य जो है, और टू रिसीव ए कॉपी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में तरह का एक एग्रीमेंट है और मेरे को उसकी कॉपी लेने का भी अधिकार है ताकि उससे मैं अपने अधिकार का पता कर सकता हूं। टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यदि मेरे को ये लगे कि कंपनी कामयाब नहीं रही अपना पैसा देने में तो मैं एनसीएलटी को कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए भी मैं ऑर्डर ले सकता हूं एनसीएलटी से। इसी तरह से टू अप्रोच द डिबेंचर ट्रस्टी को भी मैं अप्रोच कर सकता हूं, यदि मेरा कोई ऐसा अधिकार की मेरे को नहीं दिया गया और मेरे साथ कोई वंचना की गई है तो मैं एनसीएलटी को उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता हूं। अब मैं आपके साथ वो इशू टेकअप करूंगा कि सेबी के तहत मुझे क्या अधिकार हैं। सेबी जो है 1992 में इसको सेटअप किया गया और ये जो स्टिपुलेट करता है, ये जो प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी के मुख्यतः तीन उद्देश्य हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू ब्रिंग अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड ब्रिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, और उस संदर्भ में ये इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की जो ऐसे मेल प्रैक्टिस हैं उनको भी ये उनको भी टैकल करता है। सेबी हैज नोटिफाइड सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, उन मार्केट रेगुलेशन के तहत भी मैं सेबी में कंप्लेंट कर सकता हूं। और विशेषकर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सेक्शन 15A और 15HA, जब भी किसी कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन सेबी को देनी होती है और यदि कंपनी वो इंफॉर्मेशन नहीं देती तो उसके लिए सेबी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और 1,00,000 से और 25,00,000 तक का जुर्माना लगा सकती है। इसी तरह से 15HA के तहत यदि सेबी को लगे कि कोई कंपनी जो है मेल प्रैक्टिस कर रही है तो उससे भी उस कंपनी को उसके ऊपर बड़ा भारी जुर्माना लगा सकती है। सेक्शन 50A टू सेक्शन 50HA प्रोवाइड फॉर हैवी पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न्स एटसेट्रा, और वो फेलियर किसी भी तरह की हो सकती है, जैसा कि पर्संस टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद ए क्लाइंट, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज, सर्टेन डिफॉल्ट्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकर्स रखे और या इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रति कोई ऐसी इररेगुलरिटी है तो उसके लिए भी सेबी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब कंपनीज एक्ट में
मैंने आपके साथ उनको अधिकारों को चर्चा की, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा आप इसको पीपीटी में भी देख सकते हैं, और खासकर टू रिसीव फॉर रेजिडुअल प्रोसीड, तो ये सारे शेयर होल्डर्स को अधिकार हैं। यदि मेरे अधिकार की कोई वंचना हुई है तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, मैं क्या क्या स्टेप ले सकता हूँ? मान लिया कि मैंने कोई शेयर खरीदा, कंपनी ने डिविडेंड दिया और मेरे को उसका डिविडेंड नहीं मिला, या मेरे को किसी कंपनी से, डिपॉजिटरी से या किसी ब्रोकर से कोई तकलीफ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मेरे को उस कंसर्न कंपनी या मीडिएटर या इंटरमीडियरी को ही शिकायत करनी पड़ेगी। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो कंसर्न स्टॉक मार्केट को मैं शिकायत कर सकता हूँ, और कंसर्न स्टॉक मार्केट भी अगर नहीं लेता तो सेबी के रिड्रेसल, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म को, स्कीम को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी को भी मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं, और आर्बिट्रेशन के लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। यदि मान लिया IGRC भी एक्शन नहीं लेता है तो मैं आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, और आर्बिट्रेशन के डिसीजन से भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को शिकायत कर सकता हूं, या उसके बाद भी मेरे को नॉर्मल जुडिशियल मैकेनिज्म भी अवेलेबल है, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी मैं शिकायत कर सकता हूं। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैंने आपको डिपॉजिट के तरीके बताए, उनमें अगर मेरे अधिकार का कहीं भी वायलेशन होता है तो मैं कहां कहां शिकायत कर सकता हूं? बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के प्रति मेरे को शिकायत है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकता हूं। डिपॉजिट्स विद अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में और मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में, AGM एनुअल रिपोर्ट के बारे में कोई मेरे को शिकायत है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैं शिकायत कर सकता हूं। इंश्योरेंस और ब्रोकर एजेंट से कोई शिकायत है तो IRDA को कंप्लेंट कर सकता हूं। पेंशन फंड से मेरे को किसी को शिकायत है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैं शिकायत कर सकता हूं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से शिकायत है तो नेशनल हाउसिंग बैंक को शिकायत कर सकता हूं। इसी तरह से चिट फंड से के रिलेटिंग कोई मेरे को शिकायत है तो रजिस्ट्रार टू द चिट फंड कंसर्न्स ऑफ द कंसर्न स्टेट से मैं शिकायत कर सकता हूं। अब अभी इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। सेक्शन 125 के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको, इस फंड की संरचना की है, और इस फंड में यदि कंपनी ने कोई डिबेंचर डिक्लेयर, कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया और वो डिविडेंड नहीं दिया गया, उसको शेयर होल्डर ने नहीं क्लेम किया, तो कानून ये प्रावधान करता है कि कंपनी 7 साल के बाद इस इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में उस फंड को ट्रांसफर करे। इसी तरह से कोई ग्रांट और डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है तो वो भी इस फंड में आ जाता है। अनक्लेम डिविडेंड शेयर कोई ऐसा कंपनी के पास रह गया है तो वो भी इस फंड में आ जाता है। मच्योर डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट यदि शेयर होल्डर ने, डिबेंचर होल्डर ने नहीं क्लेम किया, वो इस फंड में ट्रांसफर होता है। और एप्लीकेशन मनी, किसी ने शेयर अप्लाई किए लेकिन उसको शेयर भी नहीं दिए गए और उसको जो है पैसा भी वापस नहीं मिला, तो वो इस फंड में आ जाता है। उस पैसे को या तो उन लोगों को देने में इस्तेमाल होता है जिनका वो पैसा है, या प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोटेक्शन में उसको यूज होता है। इसी तरह से भले ही कानून के प्रावधान हैं, लेकिन मुझे अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं? एक तो मेरे को लालच में नहीं आना है। जब भी कोई मेरे को रेट ऑफ रिटर्न, कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आती है, उसको मेरे को ठीक से उसको अध्ययन करना है और उसका ड्यू डिलीजेंस मेरे को करना है, सो दैट कोई ऐसा ना हो कि मैं किसी पोंजी स्कीम के अंदर उस पैसे को लगा पाऊं। ये पोंजी स्कीम जो है बड़ी बड़ी डिसिप्टिव होती हैं, कई बार इस तरह का कमीशन और प्रलोभन देती हैं जिससे कि वो सच नहीं होता और लोग उनके लालच में आ जाते हैं और नुकसान हो जाता है। इसलिए हमको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा इससे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। इसके साथ ही मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। आप जब भी कोई ऐसा इन्वेस्ट करें तो बड़ी सावधानी से उसको प्रपोजल को प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करें और पैसा भी कमाएं, लाभ भी कमाएं और पैसे को बचा के भी रखें। धन्यवाद।